सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, Realme ने अपने TWS Realme Buds Q, Adventure Backpack, Realme X3 और X3 Super Zoom इन सबको लॉन्च कर दिया है। सो हम बात करेंगे इस वीडियो में Realme X3, X3 Super Zoom के बारे में। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं डिस्प्ले के साथ। इससे मिलता है आपको 6.6 इंच का एक LCD पैनल, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है ये। 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। गोरिल्ला ग्लास 5 में प्रोटेक्शन मिल जाती है। 120 हर्ट्ज RR सपोर्ट करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और डुअल पंच होल कैमरा है इसका। तो देखा जाए तो डिस्प्ले काफी बढ़िया है, चीजें काफी सारी मिल जाती है। स्क्रीन साइज भी अच्छा है, हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है, पंच होल कैमरा भी है। दिक्कत सिर्फ एक है, ये एक LCD पैनल है। अगर आपको AMOLED से मतलब नहीं है, सिर्फ हाई रिफ्रेश रेट से मतलब है, तो आप इस फोन के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। एकदम बढ़िया डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इसके साथ। सो नेक्स्ट है प्रोसेसर। प्रोसेसर मिलता है आपको इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस। ये एक बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। पिछले साल तक का ये फ्लैगशिप प्रोसेसर रह चुका है, इस साल नया आ गया, बढ़िया अभी भी बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। GPU मिलता है आपको इसमें एड्रीनो 640, ये काफ़ी बढ़िया GPU है। क्लॉक स्पीड जाती है आपके इसमें अप टू 2.9 GHz तक। गेमिंग के लिए ये एक बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, इसमें आपके दिन से लेकर रात तक पबजी से लेकर सब्जियां सारी बराबर कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी, कोई लैग, कोई स्टटर कुछ नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। गेमिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़िया होना। सो अब बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में। इससे मिलती है आपको LPDDR4X रैम, ये काफी बढ़िया रैम है। लेटेस्ट तो नहीं है, बट उसके बाद जो भी काफी बढ़िया रैम है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इसकी रीड एंड राइट स्पीड काफी बढ़िया है। स्टोरेज मिलती है आपको इसमें UFS 3.0, ये भी लेटेस्ट नहीं है, बट काफी बढ़िया है स्टोरेज है। इसकी रीड एंड राइट स्पीड काफी ज्यादा है, अप टू 1500 Mbps तक जा सकती है इसकी थियोरेटिकली। तो ये स्टोरेज काफी बढ़िया है, रैम भी काफी बढ़िया है, लेटेस्ट नहीं है, बट अपने मामले में सबसे बढ़िया है। सेकंड नंबर पर यही आते हैं, इनसे बढ़िया सिर्फ एक और है, वो ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे फोन, इस चक्कर में नहीं दिया। बाकी ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया है, आपके फोन में कोई भी डेली यूज में कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, नेक्स्ट है कैमरा। ये थोड़ा लंबा पोर्शन होने वाला है, तो आराम से सुनते हैं। इसे मिलता है आपको 64+8+8+2 का कोड कैमरा सेटअप। 64 आपका मेन कैमरा है, ये एक सैमसंग का सेंसर है GWN। 8 मिलता है आपको टेलीफोटो लेंस, 5x ऑप्टिकल जूम विद 60x डिजिटल जूम के साथ। 8 मिलता है आपको अल्ट्रा वाइड 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ। 2 मिलता है आपको मैक्रो एज क्लोज एज 4 सेंटीमीटर। सो सेंसर काफ़ी बढ़िया है, आपको काफ़ी अच्छे कैमरे मिलते हैं। मैंने रियलमी के फ़ोन देखे हुए हैं, इनकी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी होती है, तो आपके फोटोज़ काफ़ी अच्छे निकलने वाले, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इन सब चीज़ों के साथ। अब करते हैं फ्रंट की बात। फ्रंट में मिलता है आपको 32+8 MP की डुअल सेल्फी, पंच होल सेल्फी है। 32 है आपका सोनी का सेंसर, IMX616। सोनी का सेंसर तो ऑब्वियसली बात है, सेल्फी आपकी बहुत बढ़िया निकलने वाली है। ऊपर से 32 MP का सेंसर है, काफ़ी बड़ा सेंसर है ये सेल्फी के लिए, तो सेल्फी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 8 MP आपका अल्ट्रा वाइड कैमरा है, इसमें मिलती है आपको 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ, मतलब आपकी काफ़ी वाइड सेल्फी आ जाएंगी नॉर्मल से। तो ये काफ़ी बढ़िया सेंसर्स हैं, कैमरा आपका काफ़ी बढ़िया निकलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑप्टिमाइजेशन देखी हुई है रियलमी की, काफ़ी बढ़िया कैमरे हैं। ये था सुपर जूम। अब करते हैं रियलमी X3 की बात। X3 में भी आपको सेम सेटअप मिलेगा, बट इसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिलने वाला है X3 में, और फ्रंट में मिलेगी आपको 16+8 की सेल्फी। यहाँ पे सेंसर आपका 16 MP का हो जाएगा, बैक में आपका टेलीफोटो 2x ऑप्टिकल जूम तक जाएगा। बस इतना डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी सब कुछ सेम है पूरे फोन के अंदर, X3 और X3 सुपर जूम के अंदर। कैमराज में कुछ स्पेशल फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे नाइट स्केप 4.0, AI नाइट स्केप, प्रो नाइट स्केप, स्टारी मोड, ऐसे बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको साइड में कहीं पे लिखा हुआ मिल गया होगा इस तरफ, तो आप उसके बारे में पढ़। सो अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी मिलती है आपको इसमें 4200 mAh की विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। डार्ट चार्जर 30W का मिलता है आपको इसके अंदर, ये आपके फ़ोन को 55 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। अगर कंपनी 55 मिनट्स कह रही, तो आप मान के चलिए 1 आवर 5 मिनट्स तक आप मान के चलिए कर ही देगा आपके फ़ोन का फुल चार्ज हर हालत में। तो ये काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, फास्ट चार्जिंग काफ़ी बढ़िया है इसकी, बट इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है, तो आपकी बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन होगी। इसको टैकल करने के लिए उन्होंने आपको दिया है एडजस्टेबल RR। इसमें आपका रिफ्रेश रेट अपने आपने कौन सा ऐप खोल रखा है, ऐप खोला है नहीं है, इसके अकॉर्डिंग अपने आप रिफ्रेश रेट को वैरी करता रहेगा। अगर आपने ऐसा ऐप खोला है जो 120 हर्ट्ज सपोर्ट ही नहीं करता, तो ये उसको अपने आप 60 हर्ट्ज पर ले आएगा, तो इसमें आपकी बैटरी बचेगी। बट फिर भी बहुत सारे ऐप्स हो चुके हैं आप जो 120 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं, तो आपकी बैटरी वन डे से ज़्यादा नहीं चलने वाली है। सो अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। X3 में मिलता है आपको 6128 एंड 8128 के दो वेरियंट। 6128 का प्राइस है 24999, 8128 का प्राइस है 25999। तो ये काफ़ी बढ़िया प्राइस है, इन फोन्स के हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेंगे। X3 सुपर जूम में आ जाते हैं, इसमें आपके दो वेरिएंट है 8128 और 12256। 8128 का प्राइस है आपका 29999, 12256 का प्राइस है आपका 32999।
तो ये काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग है, प्राइस काफ़ी अच्छे हैं चारों डिवाइसेस के। वेरिएंट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कितनी रैम स्टोरेज चाहिए, बाकी सारे फोन्स का प्राइस एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अब कर लेते हैं बात कि कौन सा डिवाइस किसके लिए बेटर रहेगा, यानी कि आप X3 सुपर जूम ज़्यादा बढ़िया निकलेगा या X3। तो X3 में आपको अगर कैमरे से कोई मतलब नहीं है, 60x डिजिटल जूम से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ एक बढ़िया फ़ोन चाहिए, गेमिंग से लेके परफॉर्मेंस सारी चीज़ें बराबर चाहिए, तो आप X3 के लिए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया डिवाइस है, प्राइस भी काफ़ी बढ़िया है। बट अगर आपको 60x चाहिए तो आप सुपर जूम के लिए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको सुपर जूम में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो X3 सबसे बेटर डिवाइस है, क्योंकि दोनों में सब कुछ सेम है सिवाय इस सुपर जूम के अलावा और एक सेल्फी के अलावा, बाकी सारी चीज़ें डिट्टो सेम चिपका दी गई है दोनों डिवाइस। सो गाइस, अगर आप वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।